हे गाइस, आज मैं दाल की परौंठी लेकर आई हूँ। दाल बची थी तो मैंने उसमें प्याज, हरी मिर्चें, धनिया वनिया काट के परौंठियाँ बना ली हैं। इसके साथ मैं पोहे बनाऊँगी। पोहे मैं कांदा पोहा बनाऊँगी। सिंपल पोहा ही बनेगा, उसमें सिर्फ एक्स्ट्रा मूंगफली डलेगी, कोई वेजिटेबल्स वगैरह नहीं डलेंगे, क्योंकि बच्चे मेरे वेजिटेबल्स वाला पोहा नहीं खाते, उन्हें कांदा पोहा ही पसंद है। अभी मैं परांठी बना रही हूँ, इसके बाद मैं पोहे बनाऊँगी। ये देखो गाइस, दाल की परौंठियाँ भी बहुत अच्छी लगती हैं। बची हुई थी तो नहीं खानी थी, तो फिर हम लोगों ने परौंठी बना ली। ये देखो, अभी मैं कांदा पोहा बनाने लगी हूँ। इसके बाद ब्रेकफास्ट सुबह सुबह, किसी को परौंठी चाहिए, किसी को कांदा पोहा चाहिए। अभी मैं ये तेल में थोड़ी सी मूंगफली फ्राई कर लूँगी। ऐसी मतलब लगा लो आप 25-30 दाने होंगे। थोड़ी सी डालती हूँ, इसमें भी नखरे करते हैं, पर मैं फिर डालूं भी क्या, प्याज तो सिर्फ अच्छे लगते नहीं हैं। ये जैसी थोड़ी सी हो जाएगी फ्राई, मैं एक कटोरी में निकाल लूँगी। इसमें राई और जीरे का तड़का लगेगा, कड़ी पत्ता, साबुत हरी मिर्च होती है उसमें कट लगा के, वो डाल दूँगी और प्याज डाल दूँगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैं मूंगफली निकाल रही हूँ सारी। इसके बाद मैं राई और जीरा डालूँगी, ये इसी में साबुत हरी मिर्च डाल दूँगी कट लगा के, प्याज डाल दिए हैं जैसे थोड़े से गोल्डन से हो जाएंगे, तो इसमें सोख्त पोहा डालूँगी। मैं पोहे में ही नमक, मिर्ची, हल्की सी हल्दी और हल्की सी मिर्च डालती हूँ। मैं मिर्च पोहे में नहीं डालती हूँ, और आधा नींबू डाल देती हूँ, एक ज़्यादा हो तो एक डाल देती हूँ, आज थोड़े हैं तो आधा डालूँगी। हल्की सी चीनी डाल देती हूँ, हरा धनिया सब मिक्स करके मैं ये पोहे में पलट दूँगी, और सिर्फ आधा मिनट एक मिनट इसे हिलाना पड़ता है पोहे को, क्योंकि सॉफ्ट रहते हैं। अगर आप इन्हें ज़्यादा देर हिलाओगे तो वो नीचे लगने हो जाते हैं और कड़क कड़क से हो जाते हैं। ऐसे बहुत सॉफ्ट पोहा बनता है, एकदम मलाई जैसा, कि एकदम आप बाइट लेते हो तो एकदम मुंह में घुलेगा। आप इस तरह ट्राई करना बना के। मैं पोहे डाल रही हूँ इसमें, देखो बहुत अच्छे लगते हैं। गर्मियों में तो ऐसे ही अच्छा लगता है, ब्रेकफास्ट वगैरह उपमा हो जाए, पोहा हो जाए, उत्पम हो जाए, इडली हो जाए, पर सुबह सुबह इतना नहीं होता, जितना होता है मैं कर लेती हूँ। उसके बाद मैं बना रही हूँ बैंगन और अरबी की सब्ज़ी, जो कि मेरी मदर इन लॉ की फेवरेट है। मैंने बैंगन और अरबी पहले से फ्राई कर लिया था थोड़ा सा तेल में। अभी मैंने अदरक, लहसुन और प्याज को भून लिया, उसमें बेसिक से मसाले डाले हैं, टमाटर प्यूरी डाल दी है, मैं इसे भून लूँगी। मेरा मसाला भून गया है, मैंने हरा धनिया डाल दिया है। अब मैं उसमें फ्राई किए अरबी और बैंगन भी डाल दूँगी, हल्का सा पानी डाल दूँगी, और बस एक डेढ़ मिनट ही बस आप रखो सिम पे, फर्स्ट क्लास सब्जी बन जाती है। ये मेरी मदर इन लॉ की फेवरेट सब्जी है, मैंने आपको पहले भी बताया, उन्हें बैंगन बहुत पसंद है, ये उनके लिए बन रही है। क्योंकि मेरे बच्चों की डिमांड आज पाव भाजी की है, मैं उनकी पाव भाजी बना रही हूँ। आज मेरे पास सब्जियाँ जो थी मैंने वही डाल रही, टमाटर है, चुकंदर है, गाजर है, लहसुन है, इधर मैंने थोड़े से मटर उबलने रख दिए हैं। ये सब्जियाँ दो सीटियाँ दिला दी थी, मेरे आलू पहले से उबले हुए पड़े थे, मैं इसे सबको मैश कर रही हूँ। ये प्याज है और शिमला मिर्च है, ये मैंने अपने नाइजर डाइजर में काटे हैं। ये अदरक है, आधा एक नींबू है, ये थोड़े से रिफाइंड में मैंने थोड़ा बटर डाला है कि बटर जले नहीं। अब मैं इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दूँगी, फिर वही आप लगा लो अदरक, प्याज थोड़ा सा हो जाएगा, फिर उसमें शिमला मिर्च डाल दूँगी। इनको एक से डेढ़ मिनट आप थोड़ा सा भून लेना, जैसे इनका पानी सूख जाए, फिर आप अपने बेसिक से मसाले डाल दो, नमक, हल्दी, मिर्च, सूखा धनिया। हाँ, इसमें पाव भाजी मसाला तो जाएगा जी, उसके बिना तो टेस्ट आएगा नहीं। मैंने पाव भाजी मसाला डाल दिया है, अब अच्छे से इसको भून लूँगी। आधा नींबू डाल दूँगी, बाकी नींबू मैं जब सर्व करूँगी तब डालूँगी। अभी मैंने थोड़ा सा सब्जी में डाला, ये मैश की हुई सारी सब्जियाँ मैंने डाल दी हैं। अब मैं इसमें उबले हुए मटर डाल दूँगी, क्योंकि मैं मटर तब नहीं डालती हूँ कि वो ना मैश हो, मटर ऊपर से दिखते हुए अच्छे लगते हैं। ये मैंने अपनी मदर इन लॉ की थाली लगाई है लंच की, क्योंकि वो तो बैंगन और अरबी की सब्जी ही खाएंगी, ये मैं उन्हें देने जा रही हूँ। और बच्चे मेरे पाव भाजी खाएंगे, वो नहीं खाएंगे बैंगन और उसकी सब्जी अरबी की, ये उनके लिए पाव भाजी बनी है। बेटा टिफ़िन में ले गया था, बेटी दोपहर में खा रही है, हस्बैंड मेरे सब खा लेते हैं मेरे जैसे।
ये देखो गाइस, ये आपके लिए फर्स्ट बाइट। उसके बाद फिर मैंने कढ़ाई पनीर बनाने की तैयारी की। मैंने तेल में जीरा डाला है, साबुत लाल मिर्चें और तेजपत्ता। ये अदरक लहसुन का मैंने चॉपर में कर लिया था, वो मैं भून रही हूँ। उसके बाद ये मैंने जो सब्जियां हैं तीनों, प्याज शिमला मिर्च टमाटर थोड़े से तेल में फ्राई कर लिए थे। ये मेरा मसाला थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो गया, मैं टमाटर डाल दूँगी इसमें। इसमें भी वही बेसिक से मसाले जाएंगे, धनिया मिर्ची हल्दी नमक। हाँ, इसमें गाइज मेरा वो मसाला जाएगा, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं शाही पनीर, कढ़ाई पनीर और मटर पनीर में जो डालती हूँ, मैंने घर पे जो बनाया था, अभी मैं इसमें एक चम्मच वो डाल दूँगी भर के, जिससे इसका फ्लेवर आएगा। ये मैंने वो डाल दिया है। थोड़ी इसमें क्रीम डालूँगी, ये मैंने कसूरी मेथी डाली है, थोड़ी क्रीम भी डलेगी इसमें, तो इसमें रिच सा फ्लेवर आएगा एक, और एक रिच ग्रेवी भी बन जाती है। ये अभी मैं इसको थोड़ा सा हिला लूँगी, स्टर कर लूँगी। उसके बाद जितनी भी फ्राई सब्जियाँ थी तीनों, वो डाल दूँगी। मेरा कढ़ाई पनीर तैयार है, इसे मैं सर्व करूँगी पराठे, नान या फुलके के साथ। इसी के साथ अपना वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।